गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अवर ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज क्लास फर्स्ट, चैप्टर नंबर 6, टाइम. वी ऑल नो अबाउट टाइम. टाइम क्या होता है? समय. दैट मीन्स कि आप कुछ भी काम करते हो तो हम टाइम के हिसाब से करते हैं. जैसे कि आप सुबह उठते हो तो आपका उठने का टाइम हो जाता है, तो आप उठ जाते हो सुबह के समय से. आप उठते हैं, ठीक है. रात को हम सोते हैं, आफ्टरनून में हम लंच करते हैं, नाइट में हम डिनर करते हैं. उसी तरीके से ये टाइम के बारे में है कि किस टाइम पे आप कौन सा काम करते हो. इस चैप्टर में आपको टाइम में आपको यहाँ पे ये सीखने मिलेगा कि आप कौन कौन से टाइम स्पेंस होते हैं जिसमें हम ये सारे बहुत सारे काम करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग यानी कि सुबह. यानी कि आप सुबह सुबह क्या क्या काम करते हो वो चीज़ें आपको इसमें पढ़ने मिलेंगी. फिर आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून. इसके बाद आता है EVENING, इवनिंग. और लास्ट में आता है नाइट, NIGHT, नाइट. तो ये आपको तीन टाइम, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट टाइम्स बताए हैं जो कि वन डे में आते हैं. मॉर्निंग मीन्स सुबह, ओके. आफ्टरनून मीन्स 12 o'clock के बाद आप लोग टीचर्स को क्या ग्रीट करते हो स्कूल में जब आते हो? गुड आफ्टरनून. सो आफ्टर 12 इट इज़ गुड आफ्टरनून. और सुबह से लेके 12 o'clock तक क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है. फिर आता है इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम आपका शुरू हो जाता है 4 o'clock से, 4 o'clock टिल 8 o'clock इवनिंग टाइम होता है. फिर नाइट शुरू हो जाता है, लेकिन हम किसी को भी गुड नाइट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम गुड नाइट सिर्फ तभी बोलते हैं जब हम सोने जा रहे होते हैं. सोने के पहले गुड नाइट बोला जाता है. भले आप किसी को भी अगर नाइट में भी मिलते हो, आफ्टर 8 भी मिलते हो, 8:30 पे या 9 o'clock पे, तो भी हम उनको कभी कभी गुड इवनिंग ही ग्रीट करते हैं, गुड नाइट नहीं ग्रीट करते, क्योंकि गुड नाइट सिर्फ सोने के पहले होता है. तो जो इवनिंग टाइम है वो तब तक होता है जब तक आप सोने नहीं जाते. आज समझ में? सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे संपदास डे, देर इज़ अ गर्ल, दिस गर्ल नेम इज़ संपदा. ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? संपदा. और संपदा इज़ अ वेरी गुड गर्ल. वो अपना दिन का सारा काम अकॉर्डिंग टू टाइम करती है. वो हर काम बिल्कुल सही समय पे करती है. सो नाउ शी इज़ हेयर. फर्स्ट व्हाट शी डिड? गेट अप फॉर स्कूल. तो वो सुबह सुबह टाइम से उठती है स्कूल जाने के लिए. सेकंड, ईट ब्रेकफास्ट. फिर उठने के बाद सेकंड काम क्या करती है? वो उठ के तैयार होती है और फिर सेकंड काम उसका होता है टू हैव ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट करती है. देन थर्ड नंबर व्हाट वी हैव इज़ रीड अ स्टोरी इन स्कूल. फिर वो, क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है एज अ टीचर, सो फिर वो सबको स्टोरी रीड करके सुनाती है इन स्कूल. रीड अ स्टोरी, रीड मीन्स पढ़ना, स्टोरी इन स्कूल. आफ्टर दैट ईट लंच. फिर दोपहर हो जाता है तो वो लंच करती है. शी ईट्स लंच. एंड आफ्टर दैट शी प्लेज. फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है. आफ्टर दैट शी स्टडीज. वो पढ़ती है. एंड लास्ट गो टू बेड. वो जाके सो जाती है. तो ये उसने सुबह से लेके मॉर्निंग टू नाइट जो काम किया है वो यहाँ पे बताया हुआ है. अब आपको क्या करना है? वी हैव टू राइट द टाइम. हमें यहाँ पे इसके नीचे लिखना है कि वो किस टाइम पे ये सारे काम करती है, ठीक है. तो ये हम आपको कॉपी में लिखवाएंगे और हम इसको बुक में भी फिल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे. सो इसमें क्या करना है? सबसे पहले गेट अप
फॉर स्कूल, तो गेट अप फॉर स्कूल कब होता है उसका, सुबह आप उठते कब हो स्कूल जाने के लिए, मॉर्निंग में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग। ठीक है, सेकेंड ईट ब्रेकफास्ट, ये भी ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं, मॉर्निंग में। ओके, मॉर्निंग। फिर रीड अ स्टोरी इन स्कूल, ये भी मॉर्निंग। फिर ईट लंच, लंच कब करते हैं, आफ्टरनून, नून। फिर प्लेइंग कब करते हैं, ई वी एन आई एन जी, इवनिंग। स्टडी कब करते हैं, ई वी एन आई एन जी, इवनिंग। और सोने कब जाते हैं, नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट। तो ये ऐसे हमको याद रखना पड़ेगा कि हम कौन सा काम कब करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस पेज में आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और हमें टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग। तो हमें इन एक्टिविटीज़ में देख के बताना है कि हम सुबह सुबह इनमें से क्या क्या करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें व्हाट इज़ द बॉय डूइंग हियर, यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग बाथ, बाथ कर रहा है, वो नहा रहा है, दैट मीन्स ही इज टेकिंग बाथ। तो बाथिंग हम कब करते हैं, आप कब नहाते हो, मॉर्निंग। और यहाँ पे भी हमसे क्या बोला है, हमें टिक करना है उन चीज़ों को जो मॉर्निंग में होती हैं। सो मॉर्निंग में क्या क्या होता है, बाथिंग होती है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग लाइक दिस, हम स्टडी करते हैं क्या मॉर्निंग में, यस yes, करते हैं। सो ये टिक लगा दो। सेकेंड, नेक्स्ट, ये लड़की यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रही है, ये पिक्चर हमने कहाँ देखी थी, यहाँ पे, इस पेज पे, ठीक है। और वो कौन सी थी, ये वाली। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ईट लंच आफ्टरनून ना, तो यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये मॉर्निंग का नहीं है, ये आफ्टरनून का टाइम का है। अब यहाँ पे ये क्या कर रही है गर्ल, व्हाट इज़ दिस गर्ल डूइंग हियर, हियर शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ, वो यहाँ पे अपने टीथ ब्रश कर रही है। तो ये कब करते हैं, हम मॉर्निंग में करते हैं ना, सो वी विल पुट अ टिक हियर लाइक दिस। तो ये सारे काम जो हम मॉर्निंग में करते हैं हमने टिक किए हैं। अब आपको जो इवनिंग में काम करते हैं उन पे टिक लगाना है, बाथिंग या फिर प्लेइंग या फिर गोइंग कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस घर आना, और ड्रीमिंग सपने देखना। सो व्हाट डू वी डू इन द इवनिंग, ठीक है वो। या ये आप बाजार मार्केट समझ सकते हो कि ये बच्चा मार्केट से सामान लेके आया है। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन डे, इन डे मतलब दिन में जो करते हो, ठीक है, डे टाइम में जो करते हो दिन में। ब्रशिंग योर टीथ दिन में होता है, ईटिंग फूड भी दिन में होता है, वॉकिंग भी दिन में होती है, और ये भी दिन में होता है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ हमें वहीं पे टिक लगाना है जो हम दिन में करते हैं, दैट मीन्स आफ्टरनून एंड इवनिंग में करते हैं, मॉर्निंग का हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सो डे टाइम में हम ये सारी, ये दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं। नाउ एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट नाइट, अब हम रात में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो बताया, रात में, रात में हम सपने भी देखते हैं और रात में हम सोते भी हैं। सो ओनली टू आर हेयर द करेक्ट वंस, ठीक है। नाउ ये वाला जो मैंने इवनिंग वाला छोड़ दिया है, ये आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ, यानी कि एक ही पूरा आपको करना है। इसमें जो जो इवनिंग के टाइम जो हम काम करते हैं शाम को, उस पर टिक लगाना है, ठीक है। नाउ नंबर द एक्टिविटी इन अ सीक्वेंस,
अब हमें ये बताना है कि ये सारे काम कब कब होते हैं। आपने कभी खाना बनाते हुए देखा है मम्मा को? तो उस हिसाब से हमें ये बताना है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आप डायरेक्ट खाना खाने बैठ जाते हो? नहीं, क्योंकि पहले खाना बनेगा तभी तो आप खाना खाओगे, है ना? तो ये कैसे बनाते हैं खाना देखते हैं। यहाँ पे चपातीस बना रहे हैं, चपाती, यू हैव टू मेक अ चपाती, ठीक है? अभी ये क्या है, पट्टा है ना, हम लोग बोलते हैं दैट इज ए रोलिंग बोर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, और इसको बोलते हैं बेलन को रोलिंग पिन। ओके, सो नाउ ही हैड टेकन अ यूटेंसिल फॉर मेकिंग इट। अब वो सब बना रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आटा बनाने के लिए, डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्लोर डालना पड़ेगा। अगर हम आटा लेंगे ही नहीं तो हम उसको बनाएंगे कैसे खाने के लिए, है ना? डो कैसे बनेगा उसका? आटा जो हम गूंथते हैं उसको डो बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो डो है ये बनेगा कैसे रोट चपातीस बनाने के लिए? सो सबसे पहले हम लेंगे आटा, सो दिस इज़ फर्स्ट वन, ठीक है? फिर सेकेंड मम्मा क्या करती है, उसमें पानी ऐड करती है, वाटर ऐड करती है। तो नंबर टू, फिर थर्ड में क्या करते हैं, उसको बाइंड करते हैं, साथ में लेके आते हैं। ओके, ये यहाँ पे वो कर रहे हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं पानी और आटे को। तो ये हो गया हमारा थ्री। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बेलने लग जाएंगे? नहीं, पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। गैस ऑन करोगे आप तभी तो आप जो चपातीस बनाओगे आप उसको सेक पाओगे, है ना? या सो दिस इज फोर्थ नंबर। फिर ये बेलना, उसके बाद फिफ्थ नंबर बेलेंगे हम और सेक लेंगे, और फिर लास्ट में सिक्स नंबर पे कोई वो जो रोटियां या पूड़ी या जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो खा पाएगा। सो दिस वॉज अवर नंबर द एक्टिविटी इन सीक्वेंस। हमने ये एक्टिविटी बताई कि सीक्वेंस में कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट पेज हियर। नाउ ऑन दिस पेज टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी टिक करनी है और बताना है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा टाइम लेगा। आप ये बताओ, एक छोटी सी बकेट भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा या बड़ा वाला टैंकर भरने में टाइम लगेगा? टैंकर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? टैंकर में। अगर आपके घर पे ये दोनों चीज़ें हैं तो आप भर के देखना, सेम नल से, टैप होता है ना, नल को इंग्लिश में टैप बोलते हैं, तो सेम टैप से आप दोनों चीज़ें भर के देखना, एक बकेट और एक टैंक बड़ा वाला, ड्रम टैंक जो भी आप बोल रहे हो। जो कौन सी चीज़ पहले भरेगी? ये पहले भरेगी, पर हमें लॉन्गर, ये लॉन्गर यानी ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ पे टिक लगाना है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगी। ओके, अब इस वाले फोटो में देखो, हमें घर से ये पार्क तक आना है, इस घर से तो पैदल चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, साइकिल से आने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली जब कोई धीरे धीरे पैदल पैदल चल के जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, साइकिल से आप जल्दी पहुँच जाओगे, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ओके, नाउ ये था आपका बुक का चैप्टर नंबर सिक्स। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी आपकी कॉपी में जो आपको करना है, और वो जो भी दूंगी मैं आपको आपके ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आज मैं कर दूंगी। सो वो आपको कॉपी में लिखना है, इसमें से आप कुछ भी कॉपी में नहीं लिखेंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड एंड बी अटेंटिव टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है? स्कूल की तरफ आप ध्यान देना कि स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं आपको, आप अच्छे से पढ़ना यहाँ पे वीडियो से। ओके, थैंक यू।